हेलो एवरीवन, दिस इज आयद हुसैन। आज हम बात करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की उसकी जो प्रिंसिपल है, उसकी वर्किंग्स है, वो कैसे काम करते हैं, आई होप आप लोग सबको पता होगा। नहीं पता है तो हजारों वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के एक एसेंशियल पार्ट के बारे में बात करूंगा, जिस वजह से ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नाम पड़ा। आपको पता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ये जो वैक्यूम वर्ड है वो क्यों आया? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो वैक्यूम चेंबर या वैक्यूम एरिया में होते हैं। उस एरिया का आपको नाम पता है क्या? वो टेक्निकल वर्ड में उसको बोलेंगे वैक्यूम इंटरप्चर। जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना, जनरली हम लोग उसको वैक्यूम बॉटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो ये है, गिरने वाला, ये देखिए, ये वैक्यूम इंटरप्चर है, ठीक है। इसको अगर मैं और अच्छी तरह दिखाऊं तो ये देखिए, ये ऊपर के जो पार्ट है, ये देखिए, यहाँ पे बोल्ट लग करके टर्मिनल निकल जाते हैं। फिर जो आपका पोल साइड से जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, या ईबी पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो केबल आती है 11 केवी की, या फिर 33 केवी, या जो भी, जनरली मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं अक्सर 11 केवी बोलता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा, मतलब आई थिंक वो हर किसी को पता है कि 11 केवी सप्लाई आती है। तो यहाँ पे इस बोल्ट के, यहाँ पे एक ग्रूव है, इसमें एक बोल्ट कनेक्ट होता है, फिर जो आपकी पोल से जो केबल आई वो यहाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। अब इसके ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं नीचे की साइड के, यहाँ भी देखिए एक होल है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्मिनल जो केबल कनेक्ट होगी, और अब आप देखिए ये एरिया से, पोल से जो केबल आई वो यहाँ कनेक्ट हो गई, और यहां से जो केबल निकल करके गई वो ट्रांसफार्मर या लोड साइड में चली गई। ये 3 फेज में होते हैं, या ऐसे 3 इंटरप्चर होंगे, आई होप आपको इतने तो पते होंगे। मैं बस एक बॉटल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इस पे चलते हैं कि इसके अंदर के पार्ट के बारे में आज मुझे बात करनी है। ये मैं ग्लास इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसको मैं सीधे ऐसे रख नहीं सकता, इसलिए मैं इसको एक स्टैंड के रूप में यूज कर रहा हूँ, सो आई होप यू डोंट माइंड। तो ये देखिए, ये इसके अंदर के कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट कहलाते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट। इसको प्रेस करने पे ये प्रेस नहीं होंगे, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। आई होप इसके जो काफी डिटेल में ना, इसके अंदर के जो पार्ट्स है उसके बारे में गूगल में या इंटरनेट पे बहुत डिटेल में है, तो मैं ज्यादा लेंदी नहीं ये डिस्कस करूंगा इस बारे में। मैं बस आप चाहता हूँ कि आपको ये विजुअल करने में आप आसानी हो, आप जब भी पढ़े तो आपको एक्चुअली फिजिकली अगर आप किसी चीज को देखते हैं ना तो वो आपको ज्यादा याद रहता है। बट सैडली मैंने जितने भी फोटोज देखे वो एनिमेटेड है, बहुत रेयरली एक आग पिक्स मिली है मुझे जो एक्चुअल वैक्यूम को, वैक्यूम इंटरप्चर को खोल करके दिखाएगा। तो ये मैं एक्चुअली एक VCB की टेस्टिंग के लिए गया था एक वर्कशॉप में, तो वहां से मुझे ये मिल गया तो मैं आपके लिए ले आया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ओके बैक टू द टॉपिक। ये जो है ना, ये कॉन्टैक्ट है, इसी पे यहाँ पे आपकी केबल कनेक्ट होगी पोल से आकर के। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, मतलब ये अपनी जगह रहेगा। अब मैं ये फिक्स कॉन्टैक्ट को मैं साइड कर रहा हूँ। अब आते हैं मूवेबल कॉन्टैक्ट या मूविंग कॉन्टैक्ट की तरफ। तो ये देखिए, ये सो आई होप आप ये देख पा रहे होंगे, ये है मूवेबल कॉन्टैक्ट। मूवेबल इसलिए क्योंकि ये मूव होता है, जैसे VCB की आप ऑन करते हैं तो ये जो है ऊपर की तरफ पुश होगा, और जो कि ऊपर की तरफ ये फिक्स कॉन्टैक्ट था, तो ये देखिए, ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट था ये इस तरह से काम करता है, ये ऑन, सॉरी ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ना, ये साउंड जो सुन रहे हैं आप, आई होप आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो ये जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूं ना, तो ये ऊपर के फिक्स कॉन्टैक्ट से जाकर के ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये उसके साथ में क्लोज हो रहा है, ये या फिर फिक्स हो रहा है या फिर टाइट हो जा रहा है, इस वजह से ये साउंड आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये हो गया इधर से जो टर्मिनल निकलेगा फिक्स कॉन्टैक्ट। जैसे ही अब देखिए जो पोल आया, पोल से केबल यहां कनेक्ट हो गई, फिर यहां से केबल निकल करके गई ट्रांसफार्मर में या फिर लोड साइड में, जो भी लोड साइड में। जैसे ही कुछ भी फॉल्ट होता है, अगर कुछ भी एबनॉर्मल करंट फ्लो करता है सर्किट में, तो जो रिले है, जो CT है, पहले तो CT, क्योंकि जो ये केबल गया है उसके साथ CT के थ्रू वो जा रही, तो उसके साथ CT के साथ रिले कनेक्ट है, तो रिले में हमने सेटिंग कर रखा है कुछ अपनी करंट रेटिंग्स के हिसाब से। तो वो जैसे ही रिले को लगता है कि ये एबनॉर्मल करंट जा रही, तो वो कमांड देता है VCB के ट्रिप कॉयल को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मास्टर ट्रिप के थ्रू
मास्टर ट्रिप प्रोटेक्शन है ताकि आपके रिले वगैरह खराब ना हो, या फिर मास्टर ट्रिप इसलिए लगाते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर के ऊपर और भी ट्रिपिंग है, वो सारे ट्रिपिंग को एक साथ मास्टर ट्रिप रिले पे आता है, ठीक है ना। तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस करने वाले हैं इंटरप्चर पे, ठीक है। तो जैसे ही रिले कमांड दिया वीसीबी को, वीसीबी ट्रिप किया या ऑफ हुआ, तो वो क्या करता है, क्लोज कॉइल जो है वो वीसीबी के मैकेनिज्म को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने पे ये जो क्लोज था ये ओपन हो जाता है। ये तीन रहेगा, अभी यहाँ पे एक ही है, तीन रहेगा, एक बटल दो बटल RYB, ठीक है ना। हाँ, न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक है ना। अक्सर लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, मेरे पास में कई ऐसे फ्रेशर्स आए जो बोले सर इसमें तो थ्री फेज है तो न्यूट्रल कैसा निकला, तो जोक्स अपार्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी हम ये इसके फिक्स कॉन्टैक्ट को हटा दे रहा हूँ, मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे। बट एक आपके दिमाग में शायद एक सवाल आएगा कि ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, आपने बताया कि ये वैक्यूम एरियाज है, ठीक है, ये वैक्यूम एरिया अगर है तो ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है तो इसके पास देख रहे होंगे पतले पतले ना थोड़े से गैप दिख रहे हैं। तो अगर ये वैक्यूम कैसे पॉसिबल है, ये जो यहाँ पे गैप है जो ये मूव कर रहा है, हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो अंदर बाहर की तरफ जो मूव हो रहा है, तो यहाँ पे तो गैप है, हल्का सा गैप है, इसीलिए तो ये मूव हो रहा है ना। तो ये गैप की वजह से वैक्यूम इनका मतलब खत्म क्यों नहीं आता, यहाँ से एयर तो आराम से पास हो सकती है ना। गलत, एयर पास नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसके जो कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, इसके जो इसका फिजिकली अंदर का जो अरेंजमेंट है, वो यहाँ पे एक बेलो लगा हुआ है, बेलो बोलते हैं एक तरह का सील है, वो आप डिटेल में देखिए, मैं यहाँ प्रैक्टिकल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपको ये लीक टेस्ट करना है बेसिकली हमें, कि ये जो मूव कर रहा है ये एयर गैप तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है कि इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। अगर ये पानी नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि ये लीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैं ये पूरे हाफ लीटर पानी जो है ये ओवरफ्लो कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको ये देखिए पानी गिरते हुए आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ओवरफ्लो है, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे, पूरी तरह से भरा हुआ है, बट नीचे की टर्मिनल साइड से कहीं से भी कोई लीकेज नहीं, क्योंकि अगर लीकेज रहता है तो कंटिन्यू पानी नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब ये पूरी तरह से सील है, सील इसलिए कि यहाँ पे रबर बेलो लगा हुआ है, रबर बेलो के साथ में फिर वो सील हुआ पड़ा, ठीक। आप अगर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे तो जो हमारे घर में जो मसाले पीसने की मिक्सी होती है, मिक्सी के अंदर भी करीब करीब इस तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन हाँ फुली सील्ड नहीं होता है वो, उसके एयर गैप कम रहते हैं, इसलिए उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना वो मोटर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए भी अगर आप उसमें कुछ मसाले वगैरह डालते हैं तो ऐसा नहीं कि मसाले अंदर की तरफ जा करके वो मोटर को अच्छा डैमेज कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा, बाकी आप कमेंट कीजिए। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पूरी तरह से सील्ड है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो आप आई होप कुछ तो क्लियर हुआ हो ही होगा। एक और सवाल, ये जो आप ये देख रहे हैं ये स्वास्तिक जैसा मार्क है, जैसा मतलब हमारे जो कुछ भाई साहब शुभ लाभ लिखते हैं दरवाजे पे, वहां पे भी इसी टाइप का स्वास्तिक टाइप का, तो इसका आंसर मुझे जो मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा आर्क जो प्रोड्यूस होता है वो अगर एक तरह का मेटल ही पूरी तरह से सर्कल होता तो ये आर्क जो है वो बहुत हेवी जनरेट होता है। इसको ब्रेक करने के लिए, उसको क्वेंच करने के लिए इस तरह से स्वास्तिक टाइप के मार्क करते हैं ताकि वो आर्क जो है वो ट्रेवल ना करे ज्यादा देर तक, ठीक है ना। सो ओके, एक दूसरा सवाल भी इस पे आता है कि अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि सपोज कि वैक्यूम इंटरप्चर की जो वैक्यूम प्रॉपर्टी है, मतलब मीन्स इसके अंदर अगर एयर आ गया या फिर ये लीक हो गया, बेसिकली आप ये समझ लीजिए, अगर ये वैक्यूम इंटरप्चर लीक है बट ये अगर लाइव है तो क्या ये फट जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत तरह के एक मिक्स आंसर मिलते हैं। बट एक्चुअली में जब भी इसमें स्विचिंग होगा ना, स्विचिंग का मतलब अगर ये वीसीबी ऑन है, अगर इसको ऑफ करने गया, ठीक है, तो ऑफ करने टाइम में या ऑफ से ऑन करने टाइम में जब भी ये यहाँ पे स्विचिंग होगा उस कंडीशन में शायद ये ब्लास्ट कर जाए। क्यों? क्योंकि वैक्यूम जब तक था तब तक तो इसका आर्क क्वेंच हो रहा था, जैसे ही इसकी वैक्यूम प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो आर्क का जो ट्रेवल एरिया है और जो एयर में जो मिला हुआ जो ऑक्सीजन है
उस ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ये स्पार्क, ये जो आर्क है वो और ज्यादा बड़ा रूप लेगा, जिसकी वजह से और बड़ा रूप आर्क लेगा, लेकिन ये एक चैम्बर के अंदर ही तो है, तो ये तो एक प्रेशर जनरेट करेगा ना अंदर में, एक प्रेशर जैसे जनरेट होगा तो ये है सिरामिक का बना हुआ, चीनी मिट्टी का बता सपोज कीजिए कि एक सिरामिक अर्बोन चाइना का ये बना हुआ था, जो हमारे घर में जो चाय के कप आते हैं, सेम ये इनक्लोजर ऊपर का उसका ही है, तो ये तो ज्यादा प्रेशर ये थोड़ी ये जो झेल पाएगा, ये तो ब्लास्ट ही करेगा ना। सो आई थिंक ये आंसर हो सकता है, लेकिन कितने ऐसे बोलते हैं नहीं जैसे लीकेज होगा वैसे फट जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई फ्लेमेबल या ये कोई बॉम्ब नहीं है जो लीकेज हुआ और ये ब्लास्ट कर जाएगा, जब तक इसमें स्विचिंग नहीं होगा, अगर ये कॉन्टैक्ट क्लोज है, अगर ये वीसीबी ऑन है कुछ नहीं होने वाला, अगर ये वीसीबी ऑफ है तो भी कुछ नहीं होने वाला, जैसे स्विचिंग हम करेंगे ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन करेंगे, तो जब भी कोई सर्किट कनेक्ट या डिसकनेक्ट होता है तो वो आप छोटे से वायर, आप मोबाइल के चार्जर भी अगर मोबाइल चार्ज में लगा रहे हैं, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे ना तो एक स्पार्क हल्का सा स्पार्क होता है, जैसे आप वो चार्जर मोबाइल के चार्जर भी चार्ज में लगा के ऑन करते हैं तो हल्का सा एक स्पार्क आपके स्विच के पास आते हैं, तो सोचिए वो 220 वोल्ट में तो आप हल्का सा स्पार्क हो, यहाँ पे 11,000 वोल्ट है, तो सोचिए ये क्या हल करेगा इस छोटे से ड्रम का, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।